गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी इज़ अनदर वे टू लुक एट हाउ द पीपल प्रोसेस एंड एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन। Diffusion theory has say that people adopt an idea only after going through the following five discrete stages. Diffusion theory लोगों को जानने के लिए, उन लोगों का पास जो भी information से उसको एक्सेप्ट करने के लिए या वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग ये थ्योरी को यहाँ पर यूज़ करते हैं। मोस्ट फर्स्ट वन जो स्टेज है, पहला है अवेयरनेस। हर एक इंडिविजुअल पर्संस अपना आइडिया डायरेक्टली एक्सपोज करते रहता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोग ने रखना ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली किसी के भी सामने अपना आइडिया डायरेक्टली हम लोग बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही आइडिया वो दूसरा पर्संस थोड़ा सा यूज़ करते हुए अपना काम वहाँ पर निकाल ले और उसके जगह पर, हमारे जगह पर उसका क्रेडिट मिल जाए। दूसरा है इंटरेस्ट। This idea must arouse the individuals. देखो, हर एक का इंटरेस्ट होता है, हर एक पर्सन ने बहुत मेहनत किया हुआ होता है वो आइडिया को क्रिएट करने के लिए। अगर आपका आइडिया कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर लेकर यूज़ करेगा तो वो पर्सन वो आइडिया का क्रेडिट बेनिफिट ले सकता है। इसीलिए आपका इंटरेस्ट फिर क्या हो जाता है, एकदम लो हो जाता है। उसके बाद है इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस यानी कि इंडिविजुअल हमेशा जो भी आइडिया आपके सामने लेकर आ रहा है वो इवैल्यूएट करना ज़रूरी होता है, यानी इसको यूज़फुल है या नहीं है पोटेंशियली, वो हम लोग को एग्ज़ामिन करना, इवैल्यूएशन करना उसका वो ज़रूरी होता है। उसके बाद ट्रायल। द इंडिविजुअल हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया जो होता है कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी पर ट्राई करते रहता है। पहले वो देखता है कि ये आइडिया मेरा सच में काम करेगा या नहीं। अगर ये मेरा आइडिया काम करेगा तो ही वो क्या करता है, उसको किसी के पास सामने बताने की कोशिश करता है। पहले वो अप्लाई करके देखता है बिना बोली। नेक्स्ट वन जो है वो है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशंस इसका मतलब फाइनल एक्सेप्टेंस से पहले हम लोगों ने, मतलब अडॉप्ट करने से पहले हम लोगों ने हमारा आइडिया कहीं पर भी पास किया है, बताया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। ये सब अगर हम लोग करते हैं तो ये थ्योरी हम लोग आसानी से हमारे फर्म के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये थ्योरी जो है ये मास मीडिया मॉडल के लिए इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करती है। पर्सनल कॉन्टैक्ट जहाँ पर आपके आते हैं उदाहरण प्ले करते हुए आपको दिखाई देती है। अगर हमारे पास ये सब दिखाई देगा, अभी मैं डायरेक्टली शॉर्ट में ये पूरा थ्योरी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हम लोग हमारी आइडिया को दूसरे के ऊपर ट्राई करते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना भाई। अगर हम लोग होली खेल रहे हैं तो थोड़ा सा कलर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे,
बॉडी पे जस्ट ऐसा उंगली से थोड़ा सा लगा के देखेंगे, बाद में ऐसा पोंछ के देखेंगे, वो कलर जाता है, आ जाता है, आसानी से चला जाता है ना मेरे। तो पहले हम लोग ने ट्राई किया था बिना बोले, है ना, बिना बोले हम लोग ने उसको ट्राई कर लिया। अभी मैं उसको अप्लाई करूँगा, सक्सेसफुल हो गया है, तो किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। मैंने बिना बोले ये सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन अगर मैं ये बता देता था इस तरीके से करना है वगैरह, प्लान करते थे हम लोग कुछ भी, तो वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू हम लोग को आते हुए दिखाई देता है, समझे। ये थियरी इस तरीके से काम करती है। अगर हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरी थियरी हम लोग वहाँ पर अप्लाई करते हुए दिखते हैं। जितना भी पॉइंट्स हम लोग ने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, वो सारा का सारा पॉइंट्स हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हुए वहाँ पर दिखाई देता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है कंपनी में, अभी देख लो कंपनी के हिसाब से बात करो, कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है, तो काम करने से पहले अगर हम लोग ने देखा है कोई, वो इंजीनियर है, अगर इंजीनियर है तो वो पर्सन वहाँ पर अपना एक डिज़ाइन प्रिपेयर करता है, लेकिन वो डिज़ाइन अगर अपने कलीग को बता देता है और कलीग को वो डिज़ाइन अच्छा लगता है और उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, उसका फ़ोटो निकाल लेता है तुरंत और कोई भी दूसरे कंपनी के साथ डील कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये बात, ये जो थ्योरी है ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, टारजन द वंडर कार में फिर से ये बात बताई गई थी कि वो जो भी वो मॉडल कार का मॉडल एक पर्टिकुलर कंपनी को वो दिखाने जाता है, तो वहाँ पे एक सीडी से कॉपी वो मॉडल दिखाया जाता है सीडी के थ्रू, लेकिन वो सीडी का सीडी में से वो पूरा का पूरा मॉडल कॉपी करके हम लोग दूसरी कंपनी, मतलब वो कंपनी वाले वहाँ पर पैटर्न कर लेते हैं, अपने नाम से रजिस्टर कर लेते हैं, और जब भी उन वो चार पांच होते हैं मतलब वो हीरो शक्ति कपूर वगैरह, तो उनके साथ उसकी डील होती नहीं है, लेकिन जब भी वो दूसरे पर्सन के पास जाता है तो वो कंपनी एक्सेप्ट करती है टर्म्स एंड कंडीशन उसका, तो पता चलता है कि वो लोगों ने वो मॉडल को पहले ही वहाँ सीडी में से कॉपी कर लिया था और वो पैटर्न भी कर लिया था, रजिस्टर भी कर लिया था अपने नाम से। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर अपने को आ सकते थे, इसीलिए ये थ्योरी बताती है कि कोई भी आपका जो आइडिया है किसी के सामने बताना नहीं है, पहले आप ट्रायल करके देखो, अगर जमेगा तो हम लोग हमारा कंपनी में उसको अप्लाई करेंगे, अगर वो अच्छा है सक्सेसफुल है तो ही हम लोग इसको यूज़ करने